गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट, मैथ्स वाई महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि कल के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, एक से लेकर एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो हमने आपको बताया था एक से लेकर एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर एन एन प्लस वन बटे दो है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कल की क्लास को आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, इसका जो लेक्चर फर्स्ट पढ़ा रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो ये वाला हम पढ़ाने जा रहे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे अगर कहा जाए, क्वेश्चन एक दे दिया जाए, एक से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, एक से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आपको बेसिक विधि से नहीं लगाना है कि आप एक से लेकर 15 तक संख्या लिखें फिर उनको आपस में जोड़ें। तो आपको करना क्या है भाई, हमने बताया योग बराबर n का मान कितना है 15, तो n n प्लस 1 बटे 2, तो 15 गुणित के 16 बटे 2 दुर्गुण 16 15 8, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। एक से लेके 15 तक की संख्याओं का योग 120 होगा। ओके, तो बड़े फटाक से आपका आंसर निकलता है। ये आपका पिछले वीडियो में पहला वीडियो जो डाला है उसमें है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम आज का टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको दो तीन सवाल बस देखने हैं और आपको अगला लेक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो सवाल शुरुआत कोई स्टूडेंट ये कह दे कि सर जी शुरुआत एक से ना हो, तब हम सवाल को कैसे लगाएंगे। ओके, जैसे सवाल आपके बीच में कह दिया जाए, यहाँ हेडिंग बना लेते हैं, जब शुरुआत एक से ना हो। किताबों में कहीं मिले या ना मिले, बट आप पढ़िएगा हमारे चैनल पर, ऊपर किसी भी राइटर की किताब का सवाल बड़े प्रेम से लगाइएगा। क्वेश्चन कह दिया जाए 12 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। 12 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिएगा, अब शुरुआत एक से नहीं है तो आपको सवाल का आंसर कैसे बताना है। फिर भी आपको अब यहाँ पर ये नहीं करना है कि 12 से लेकर के हम 25 तक की संख्याएं लिखें फिर उनको ऐड करें, तो इसमें आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा। तो आपको सूत्र वही लगाना है, कैसे, एक से लेकर के एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है एन एन प्लस वन बटे दो। तो आप यहाँ पर ये देखिएगा, शुरुआत एक से कर दो, एक डॉट 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 25 तक है कि नहीं। अब एक बात और बताओ, हमें तो एक से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं निकालना है। अगर एक से लेकर शुरुआत कह देता कि एक से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो हम तुरंत सूत्र लगा देते एन एन प्लस वन बटे दो। लेकिन उसने तो 12 से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप, अब इसको थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, सबसे पहले आप अपने मन से एक से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। अब इसमें देखो, इसमें कंबाइंड शामिल कौन सी हो गई, एक से लेकर के 12 तक, तो यानी कि यहाँ पर हमें 12 से शुरुआत करनी है, तो एक से लेकर के 11 तक की संख्याओं का योग घटा दीजिए। अब एक से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग में एक से लेकर के 11 तक की संख्याएं भी शामिल हैं, और यदि हमें 12 से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हम एक से लेकर के 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हटा देंगे।
तो सबसे पहले एक बार सूत्र यहाँ लगेगा एन एन प्लस वन बटे दो, और एक बार यहाँ लगेगा एन एन प्लस वन बटे दो, और इन दोनों का क्या कर देंगे, अंतर। अंतर क्या थोड़ी सीधा कहिए कि इस मान में से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू 25 है और यहाँ पर n का वैल्यू 11 है, तो ये हो जाएगा 25 गुणित के 26 बटे 2 माइनस के 11 गुणित के 12 बटे 2, तो ये हो गया 13 दूनी 26, 13 पना 65 हाथ में आए 6, 13 दूनी 26, 26 में क्या जोड़े 6, तो हो जाएगा 32, 325 और माइनस के 2 छक 12, 11 छैया 66। अब इसको घटा दो, 5 की मानी 15 में से 6 गए 9, 2 की मानी 12, 12 में से 7 गए 5, 3 में से 1 गया, तो करेक्ट आंसर हो गया 259। आपका दूसरा पैटर्न ये हो जाता है, एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के दो पार्ट बने। पहला पार्ट आपका वीडियो जा चुका है, आप वहां पर उस वीडियो को पहले देख लेना, फिर आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात बराबर होता है n n प्लस 1 बटे 2। अब जब शुरुआत एक से ना हो, क्वेश्चन कह दिया गया 12 से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो बस आपको क्या करना है, 12 से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के लिए पहले आप शुरुआत जबरदस्ती एक से मान लो, और फिर जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से एक अंक के पीछे की संख्याओं को घटा दो, और बस उनका अंतर ही हमारा आंसर होगा। एक बार बस हम ये देख लेते हैं कि आपका लिखा हुआ पूरा आपको शो होगा कि नहीं होगा। हाँ, आपको लिखा हुआ पूरा पूरा शो होगा। ओके, चलिएगा एक क्वेश्चन और आपके बीच में छोड़ते हैं, देखते हैं आंसर बताइएगा, और आंसर ना भी बताओ तो ये तो आपकी वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप इसमें ये सीखिएगा, अगर आप इससे कंसेप्ट सीख जाते हैं, क्वेश्चनों के आंसर लगाना सीख जाते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आता है, तो विशेष रिक्वेस्ट यही है कि लाइक का बटन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों को शेयर करें। ओके, चलिएगा 22 से लेकर 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब 22 से लेकर 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हमने क्या बताया, आप सबसे पहले एक से लेकर के डॉट 45 तक का निकाल लो, और फिर आपको एक से लेकर के डॉट कहाँ तक का घटा देना है, इससे एक कम, एक से लेकर के 21 तक की संख्याओं का योग घटा दो, तो आपका एक से लेकर के 45 के बीच में जो है, तो वो आपकी 22 से लेकर के 45 के बीच की रह जाएंगी। अब इसका भी सूत्र होगा एन एन प्लस 1 बटे 2, और इसका भी होगा एन एन प्लस 1 बटे 2। ओके, अब आगे देखिएगा, आगे क्या होगा आपके साथ में, यहाँ पर एन का मान 45 है, यहाँ पर एन का मान 21 है, तो सवाल लगाने में हो जाएगा आपका 45 गुणित के 46 बटे 2, और ये हो जाएगा माइनस ये 21 गुणित के 22 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 23 दूनी 46, 23 पंचे 105 हाथ में आए 10, सॉरी 23 पंचे 115 होते हैं, 23 पंचे 115 तो हाथ में आए 11, 23 चौको होते हैं 92, 92 जोड़ दो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 9 और 1 10, 1035। ओके, चलिएगा अब माइनस के यहाँ करोगे 11 दूनी 22 तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 3 गए 0, 10 में से 2 गए 8, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 804। ओके, किसी को कोई दिक्कत बोलो भाई, क्लियर हुआ, तो ये क्वेश्चन आपके बीच में आने हैं। अगला क्वेश्चन एक बार बता देते हैं, क्योंकि ये मैथ्स वाई महसिक वाली यूट्यूब चैनल की हैबिट में है, एक सवाल हम आपको सिखाते हैं तो दो और करवा देते हैं, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर आप किसी भी परीक्षा में किसी भी राइटर की किताब से सवालों को धड़ल्ले से लगा सकें, ऐसा विश्वास है, विश्वास के साथ वीडियो बनाया जाता है। क्वेश्चन आपके बीच में कह दिया जाए, देखिएगा बड़ा सिंपल सा ले ले रहे हैं, कह दिया जाए 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का
योग ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आपको एक से लेकर डॉट 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 100 तक का निकाल लेना है, फिर आपको एक से लेकर के 50 तक का निकाल लेना है। दोनों के लिए सूत्र होगा एन एन प्लस 1 बटे 2, और यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का एन एन प्लस 1 बटे 2, और आगे ये हो जाएगा 100 गुणित के 101 बटे 2, और ये हो जाएगा 50 गुणित के 51 बटे 2। तो ये 100 का आधा हो जाएगा 50, तो 50 से कम 50, और फिर ये हो जाएगा 50 50 माइनस की ये हो जाएगा 25, 25 से कम 25 हाथ में आए तो 25 पंचे 125 और ये दो जोड़ दिए तो 127, 10 में से 5 गए 5, 5 की मानी 15 में से 8 गए तो हो जाएगा 7, यहाँ पर 60 बचेगा, तो 10 में से 3 गए फिर से 7, 5 में से 2 गए तो बचेगा 3, तो 3775 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया, बट अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो इसका पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो उसका पहला वीडियो है एक से लेकर एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इस आज के टॉपिक में ये कि जब शुरुआत एक से ना हो तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लगा लेते हैं, और ये आशा करते हैं कि पेपरों में अधिकतर सवाल यहीं से बनता है, इतने ही पॉइंट से आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आप बस हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक पढ़िए और ढेर सारे सवाल किताब में लगाइएगा, थोड़ा बहुत सवाल इधर उधर मिलता है तो कमेंट के जरिए हमारे तक पहुँचाइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। धन्यवाद। ओके।